हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक कंक्रीट मिक्सर मशीन लेके आया हूँ। आज कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में मैं आज लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कैसे क्या होता है उसमें। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि BRO MSW DES का एग्ज़ाम जो है कि 2021 में 31 अक्टूबर को होने वाला है, और उसके तहत ये सिलेबस है। और ये दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि अगर टेक्नीशियन पोस्टों की वैकेंसी कहीं भी आती है तो वहाँ पे ये चैप्टर मुझे नहीं लगता काम करेगा। ये सिर्फ BRO मल्टी स्किल्ड वर्कर DES के लिए है, व्हीकल मैकेनिक के लिए भी हो सकता है, क्योंकि BRO वगैरह में जो है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, अगर BRO से रिलेटेड पूरा सिलेबस आप लोगों को MSW DES का कवर करना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है कि वहाँ BRO एग्ज़ाम 2021 में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ मैं सीक्वेंस बाई सीक्वेंस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक पर। हम लोग जानेंगे कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में निम्नलिखित चीज़ें। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे मेन पार्ट्स, देखेंगे उसका क्या क्या मेन पार्ट्स होता है। उसके बाद टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सर मशीन, कंक्रीट मिक्सर मशीन के कितने प्रकार की होती है। मोस्टली इसका कोई टाइप फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कि जनरली जान लेंगे कि कितने टाइप की मिक्सर मशीन होती है। और हम लोग ये भी जान जाएंगे कि जो कंक्रीट में जो है कि कंक्रीट मिक्सर मशीन में जो हमारा मिक्सर मिलाया जाता है, वो कंक्रीट मिक्सर प्रोसेस जो प्रोसेस किया जाता है मिला के, वो लगभग कितने टाइप का होता है। और सबसे बेस्ट प्रोसेस जो है किसको, कौन सा विधि जो है कि सबसे बेस्ट माना गया है, हम लोग ये सब देखेंगे। दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कंक्रीट मिक्सर मशीन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे नहीं लगता कि ITI में जो है कि मैकेनिक लेवल में ये पोस्ट आता है मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड। तो ये टॉपिक जो है कि PDF में या कहीं भी ढूंढिए, जाके वेबसाइट पे ढूंढिए, तो बहुत मुश्किल से ये टॉपिक मिल पाता है। और या तो फिर एकदम जो है कि लो लेवल का मिलता है टॉपिक, या फिर बिल्कुल जो है कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के हाई लेवल का मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए, और ये जो है कि क्योंकि जो है कि MSW DES के सिलेबस में दे रखा है, तो हम लोग जो है कि इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हाँ लेवल के हिसाब से, क्योंकि वो ड्राइवर का पोस्ट है। देखा जाए तो ड्राइवर इंजन स्टेटिक दिया है, तो यानी एक तरह से ड्राइवर का पोस्ट है, तो मुझे नहीं लगता बहुत हाई अपर लेवल का आएगा। तो हम लोग इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे। तो कंक्रीट मिक्सर मशीन क्या होती है? कंक्रीट मिक्सर मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट मिक्सर मशीन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे सीमेंट मिक्सर मशीन भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंट मिक्सर मशीन भी बोलते हैं। और दोस्तों आप देखिए ये होता क्या है कंक्रीट मिक्सर मशीन। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट मिक्सर मशीन ये जहाँ भी, जैसे गांव में देखे होंगे आप लोग कि जिसका जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हाइट का जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा हाइट, जहाँ पे बांस बल्ली ना लग पाए, ज़रूरत से ओवर हाइट का जो है कि छत की ढलैया होती है, और वहाँ पे या फिर कहीं पुल वगैरह बन रहा है सरकारी कोटे से, छोटे छोटे गाँव में हम लोग, क्योंकि जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो वो शायद ये मशीन देखे हों। कंक्रीट मिक्सर मशीन भले ना याद हो, लेकिन जिनकी मशीन से ढलैया होती है छत की, एक लोकल लैंग्वेज में बोले तो जिनकी छतें जो है कि मशीन से ढाली जाती हैं, वो बोलते हैं कि आज जो है कि इनके यहाँ जो है कि मशीन से छत ढाला जा रहा है। तो वही हमारी जो है दोस्तों कंक्रीट मिक्सर मशीन है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ड्रम होता है, ड्रम में जो है कि एक जो है कि एक साइड से अलग से जो है कि लिफ्ट का स्टैंड बनाया जाता है, मैकेनिकली पाइपों को जोड़ के स्टैंड बनाया जाता है, उसमें एक बकेट होता है। तो ड्रम में दोस्तों क्या होता है, सीमेंट रेत बजरी, सीमेंट रेत ही हम लोग मैक्सिमम जानते हैं, सीमेंट रेत बजरी गिट्टी का मतलब है, सीमेंट रेत और गिट्टी और पानी एक जो है कि निर्धारित अनुपात में अपने अंदाजतन या निर्धारित अनुपात में जो मानक तय है उसके द्वारा जो है कि मिला के मिक्सिंग करके, और उसके बाद जो है क्या करते हैं, उसमें हैंडल वगैरह लगे होते हैं, उसको ऐसे घुमा के हम लोग क्या करते हैं, ड्रम जो है कि वो घूमने वाला होता है एंगल पे, वो ड्रम घूमता है तो बकेट आता है, तो बकेट में गिरता है, बकेट के द्वारा फिर क्या होता है, वो चैन और पुली की सहायता से, चैन पुली उसमें लगी रहती है, उसकी सहायता से बकेट हमारा
ऊपर जाता है और वहाँ पे जो है कि लोग उसका जो है कि मटेरियल जो इसमें रहता है उसका यूज करते हैं ढलैया में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ये तो हो गया मिक्सर मशीन का इंट्रोडक्शन। और दोस्तों इसका यूज कहाँ होता है, तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका यूज जो है भवन निर्माण हो गया, पुल निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, जैसा कि बीआरओ में है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सड़क बनते हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं पहाड़ों पे। तो अब ज़रूरत के हिसाब से जो है कि मशीन जो है कि कंक्रीट मिक्सर मशीन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ कंक्रीट मिक्सर मशीन हमको क्या देखना है, उसमें दो पार्टों में वो बटी होती है। पहली बात तो ये है कि वो जो है कि इंजन से चलती है, इंजन से ऑपरेट होती है, और उसमें ये वाला जो है कि ड्रम और ये वाला हिस्सा जिसमें चार पहिए लगे होते हैं, जैसे दोस्तों गांव में थ्रेसर की मशीन होती है गेहूं को मतलब कि निकालने वाली मशीन, तो वैसे थ्रेसर मशीन जैसे उसमें भी जो है कि तीन या चार व्हील लगे होते हैं, मैक्सिमम चार देखा जाता है कॉमनली, चार व्हील लगे होते हैं। और एक जैसे ट्रैक्टर की ट्राली होती है वैसे ही सिस्टम से वो जुड़ी होती है, और उसमें इंजन अटैच रहता है, और इंजन अटैच रहता है जिसके सहायता से जो है कि चलता है। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारी कंक्रीट मिक्सर मशीन है ये इंजन से, स्टैटिक इंजन हो गया उससे भी चल सकती है, जो डायनेमिक इंजन होता है डीजल, जैसे पहले डीजल के जो है कि स्टैटिक इंजन, खड़े वाले डीजल इंजन जो जनरेटर सेट में यूज होते हैं, पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ अभी भी दिख जाएंगी, उसमें भी लग सकते हैं। और ट्रैक्टर के साथ भी जो है कि कपलिंग की सहायता से ट्रैक्टर के साथ भी लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर हमारा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है विशेष परिस्थितियों में हम उससे भी एक विशेष पुली के द्वारा जो है कि इलेक्ट्रिक मोटर से भी इसको हम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा। अब बाकी हाँ, इसमें जो है कि अगर इंजन उंजन के सहायता से हम चलाते हैं तो इसमें बेल्ट का भी यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इसका मेन मोस्ट कॉमन ये इंट्रोडक्शन। सीमेंट मिक्सर मशीन भी बोलते हैं ये, भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण आदि में यूज होता है। इसे जो है कि हम स्टैटिक इंजन, डीजल इंजन, या फिर जो है कि ट्रैक्टर, और फिर या फिर जो है कि इसे जो है कि इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा भी विशेष परिस्थितियों में हम चला सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन पार्ट्स के बारे में, इसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे बॉडी ले लेंगे दोस्तों। बॉडी का मतलब ये है दोस्तों, एक पूरा जो होल शेप है ना, जिस पे बेस स्ट्रक्चर होता है हमारा, चेसिस टाइप का बेस स्ट्रक्चर है, उसमें चार पहिए लगे हैं, ड्रम लगा हुआ है, हमारा हैंडल है, गियर लगे हुए हैं, बड़े वाले पुली लगी हुई हैं। तो ये सारे जिसपे जिस स्ट्रक्चर पर बैठे रहते हैं उस पूरे शेप को हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। उसके बाद इसमें व्हील्स होते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन सी बातें हैं, इसमें हम जो भी पढ़ेंगे ना वो आपको लगेगा कि मोस्टली कॉमन है। तो दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ना, तो बेसिकली मोस्टली कॉमन ही पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा वहाँ पे प्रश्न को पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ध्यान लगाने के बाद जो है अपना समझते हुए इसको करना है। बॉडी व्हील्स हो गया, इसमें एक्सल लगे होते हैं, एक्सल होते हैं दोस्तों, ड्रम होते हैं ध्यान दीजिएगा, ड्रम होते नहीं, एक बड़ा वाला ड्रम होता है दोस्तों, और छोटा वाला बकेट होता है, ड्रम होता है जो कि बेंट टाइप का होता है, थोड़ा सा झुका होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि झुकेगा नहीं, थोड़ा सा एंगल पे फिट नहीं रहेगा तो मटेरियल तो बाहर गिरने लगेगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस होगा तो घूमते समय। उसके बाद दोस्तों इसमें होता है ड्रम सी होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें पार्ट होता है ड्रम गियर। अब देखो दोस्तों ड्रम गियर, जैसा कि हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा ड्रम होता है, तो बड़ा सा ड्रम के नीचे एक जो है कि हमारी एक लंबी, जैसे हम लोग इंजन में फ्लाई व्हील देखते हैं ना, तो फ्लाई व्हील के ऊपर जो दांते हमारे, जो फ्लाई व्हील के ऊपर जो है कि दांते, रिंग वाले दांते जो लगे होते हैं, जिसपे सेल्फ स्टार्टर की पिनियन जाके बैठती है और फ्लाई व्हील को घुमाती है, सेम दोस्तों ड्रम गियर का जो ड्रम का गियर होता है ना वो वैसा होता है, फ्लाई व्हील के गियर जैसा ही होता है। बड़ी फ्लाई व्हील रहेगी, जितनी बड़ी इंजन की बड़ी फ्लाई व्हील रहेगी उसका गियर का जो रिंग होता है वैसा ही ड्रम का गियर होता है। और ये दोस्तों कैसे चलता है, रैक एंड पिनियन पे चलता है, ये हमारी जो है कि रैक हो गई और इस पे जो है कि एक गियर लगा दिया बेटा, ये चल रहा है ऐसा, तो ये घूमता है ना, तो वैसे ही सेम ड्रम गियर का भी है। अब एक बड़ा वाला गियर ऐसा है इनका, ऐसे फिट है, एक उस पे गियर लगी है, वो चलते रहते हैं गियर आपस में, तो वो क्या है ड्रम, उसी के सहारे घूमता रहता है। तो ड्रम गियर हो गया, उसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों
ड्रम गियर, ड्रम सी हो गया, स्टेयरिंग हो गया, स्टेयरिंग दोस्तों देखना इंग्लिश में लिखा है आप लोग मैनेज कर लेना। ड्रम गियर हो गया, स्टेयरिंग हो गया, और उसके बाद दोस्तों स्टेयरिंग का मतलब बोले तो हैंडल होता है दोस्तों, जैसे फोर व्हीलर में स्टेयरिंग होती है ना, वैसे ही उसको ड्रम को जैसे हम काफ़ी तेज़ी से स्टेयरिंग को घुमाएंगे तो ड्रम हमारा जो है कि डाइवर्ट होकर बकेट में मटेरियल को पलटता है, तो उसको बोलते हैं स्टेयरिंग। अब दोस्तों आगे आते हैं, अब जैसा कि मैंने बताया था कि ड्रम गियर जो है शाफ्ट पिनियन की सहायता से चलता है, तो शाफ्ट पिनियन भी होता है, शाफ्ट पिनियन भी इसमें होता है दोस्तों, पिनियन, शाफ्ट पिनियन हो गया। उसके बाद स्पेसर होते हैं, स्पेसर का मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दो शाफ्टों के बीच में ये जो है कि जुड़ जाता है तो स्पेस वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, स्पेसर टाइप का होता है। और ये बूस्ट बेयरिंग होती हैं, जाहिर सी बात है जब बड़े बड़े जो है कि पुल्ली वगैरह यूज होंगी, इसमें पुल्ली होंगी यूज, कपलिंग होंगी, तो जाहिर सी बात है कि बूस्ट या बेयरिंग का यूज़ तो होगा ही। पुल्ली लिख लेते हैं, कपलिंग लिख लेते हैं, कपलिंग, बेल्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग बेल्ट, क्योंकि इसमें बेल्ट का भी यूज होता है अगर जैसे हम लोग चलाते हैं इससे इंजन उंजन के द्वारा। तो दोस्तों ये रहा, बाकी ये ड्रम गियर हो गया, बाकी और कुछ गियर होते हैं उसको भी लिख लेते हैं, गियर्स और भी गियर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे। तो दोस्तों ये रहा मेन पार्ट्स हो गया, बॉडी व्हील्स एक्सल ड्रम, ड्रम सी, ड्रम गियर, स्टेयरिंग जिसे हैंडल बोलते हैं, शाफ्ट पिनियन स्पेसर जिससे जो है कि हमारा ड्रम गियर ऑपरेट होता है और सारे गियर मिला के ऑपरेट होते हैं, बूस हो गया जो कि पुल्ली या जो है कि कपलिंग के साथ लगा होगा, बाकी जो है कि बेल्ट हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बेसिक ही है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर मशीन हो गया। टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर मशीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो देखिए दोस्तों बेसिकली जो है कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देख लेते हैं, ये जो है टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर, एक होता है मिनी टाइप का जो छोटी टाइप की होती है जिसे कहीं भी लेके जो है कि ढकेल के लेके जाया जा सकता है या ट्राली जैसा लगा होता है उसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, मिनी टाइप जिसे हम डी आई वाई भी बोलते हैं दोस्तों। DIY का मतलब वही होता है जैसे DIY सर्वे या DIY डायरेक्टर, मतलब उप होता है, उप छोटा, तो ये मिनी टाइप हो गया। दूसरा क्या हो गया, बेंट ड्रम टाइप हो गया। सारी दोस्तों ये क्या है, माता रानी जो है कि रखी हुई हैं तो गाना आप लोगों को सुनाई देता होगा, मैनेज कर लीजिएगा, इसलिए मैं जैसे ड्यूटी से आया आप लोगों को जो है कि सोचा कि पढ़ा लूँ, तो क्योंकि ये आवाज़ शुरू हो जाएगी, कोई बात नहीं आप लोग मैनेज करिएगा। बेंट ड्रम टाइप होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक रिवर्सिंग स्किप टाइप हो गया, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है कि हाइड्रोलिक लोडिंग टाइप होता है दोस्तों, और एक लास्ट वाला हो गया पैन कंक्रीट टाइप हो गया दोस्तों, तो ये पैन कंक्रीट टाइप हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, मिनी टाइप जो छोटे होते हैं, बेंट ड्रम टाइप जो आप जिसमें बड़ा सा ड्रम रखा थोड़ा सा एंगल पे झुका होता है, हाइड्रोलिक जो है कि रिवर्सिंग टाइप का हो गया, रिवर्सिंग एंड जो है कि स्किप टाइप का हो गया, ये जो है कि कहीं बड़े जगह पर लगता होगा जहाँ पुल वगैरह का निर्माण होता होगा, एक हाइड्रोलिक लोडिंग टाइप का हो गया, और बाकी जो है कि पैन कंक्रीट टाइप का हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा जो है कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर मशीन। दोस्तों मैं एक चीज़ दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं पाज करके। ठीक है दोस्तों, मिटाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें क्या है, देखिए अगर आप कोई भी वीडियो वगैरह देखेंगे ना
तो मटेरियल इसका मिल नहीं रहा है, कहीं बुक वगैरह में स्पेशली दिया नहीं है। तो जो भी लोग जो है कि सर्च कर करके इधर उधर से PDF ढूंढे हैं, ये देखे हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को और मिलेगा कि वीडियो लगभग लगभग सबकी एक कॉमन से ही मिलेगी, लगभग लगभग एक ही टॉपिक पे, क्योंकि इसका स्पेशल मटेरियल मिल ही नहीं पा रहा है। हो सकता है इसके बारे में जो है कि सिविल विल के लोग हों वो अच्छे से इन्फॉर्म कर पाएँ। तो दोस्तों आगे हम लोग आते हैं इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर प्रोसेस ये क्या है दोस्तों? ये एक होता है रेशियो। जैसे हम लोग क्या है कि इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि रेत हो गया, सीमेंट हो गया, बजरी यानी गिट्टी वगैरह हो गया, इसको मिला के हम किस रेशियो में मिलाते हैं, उस रेशियो को मिलाने के आधार पर कितने टाइप को जो है कि कंक्रीट मिक्सर प्रोसेस को बांटा गया हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीधे आते हैं हम लोग, एक होता है नॉर्मल टाइप, नॉर्मल मिक्सर, ये हो गया दोस्तों नॉर्मल मिक्सर। दूसरा हो गया स्टैंडर्ड मिक्सर। तीसरा हो गया दोस्तों डिज़ाइन मिक्सर। ये दोस्तों डिज़ाइन जहाँ पे है ना, ये जो है कि कुछ दूसरा ही होना चाहिए था, लेकिन अब थ्योरी में वैसा ही दिया है। डिज़ाइन मिक्सर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यही हो गया नॉर्मल मिक्सर। क्या है, गांव वगैरह में देखे हम लोग जो पुराने मिस्त्री होते हैं वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, रेत गिट्टी मालू का वो अनुपात जो है कि अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, और जो है कि किसी तरह से मिक्सिंग करके वो जो है कि यूज में लाते हैं, वो नॉर्मल मिक्सर। स्टैंडर्ड मिक्सर क्या है, स्टैंडर्ड मिक्सर टाइप का प्रोसेस जो है क्या है, अब स्टैंडर्ड मिक्सर प्रोसेस टाइप वो हो गया कि इसमें जो है कि फिक्स रहता है कि हमारा जो है कि इतने है, जैसे सीमेंट इस रेशियो में पड़ेगा, मान के चलिए 1:2:3 कर लिए हमने, ये हो गया सीमेंट बालू गिट्टी, ये कोई अस्थाई नहीं है। ऐसा जो है कि हम पहले से जो है कि उसका स्टैंडर्ड एक मानक फिक्स करेंगे, उसके तहत जो है कि हम क्या करेंगे वहाँ पर मटेरियल को मिक्स करेंगे, तो वो हो गया स्टैंडर्ड मिक्सर। एक हो गया डिज़ाइन मिक्सर। ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों जो है कि ये यही जो सिस्टम है हमारा, ये जो है कि भारतीय मानक के अनुसार ISI सिस्टम के द्वारा जो है कि यही अपनाया जाता है डिज़ाइन मिक्सर। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पहले जो है कि सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा किसी भी कार्य को करने के लिए टेंडर पास होता है। टेंडर पास करने के बाद उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, जो कंपनी लेती है पूरी उसकी रूपरेखा यानी ड्राइंग तैयार करने के बाद, पुल या सड़क का अगर बड़े स्तर पे हो रहा है, वहाँ ग्रेजुएट इंजीनियर होंगे, सिविल लोग JEE लोग होंगे, वो क्या करते हैं सारा प्रोसेस तैयार करके एक जो है कि फिर जो है कि जो सामान उसमें मटेरियल लगना है उसकी गुणवत्ता टेस्ट की जाती है, क्वालिटी, वो क्वालिटी जो है कि लाइव प्रोसेस में टेस्टिंग में जाती है। वो क्वालिटी जब इम्प्रूव होती है, पास होती है, तो जो ISI सिस्टम के अनुसार एक मानक बना है, तय मानक बना है जो है कि मिक्सिंग प्रोसेस का, उसके तहत जो मिक्सर किया जाता है वो होता है हमारा डिज़ाइन मिक्सर। तो दोस्तों यही रहा हमारा कुल मिला जुला के कंक्रीट मिक्सर हमारा यही रहा, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, बेसिकली हम लोग यही समझेंगे। और दोस्तों सिलेबस में लगभग 90% जो है कि मैकेनिक का सिलेबस है, 8-10% जो है कि इसी का सिलेबस है कंक्रीट मिक्सर का। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है कि 90% छोड़ के इसी के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए कि इसमें घुस जाएं। तो समय का बहुत कीमत है दोस्तों, एग्ज़ाम में सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग मैं आशा करूँगा कि इसको बेसिकली आप पढ़िए और नॉर्मली समझने की कोशिश कीजिए। बाकी जो है कि आप 90% का जो सिलेबस है उसमें जो है कि ज़बरदस्त तैयारी करिए। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो है कि नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।